G20 से ठीक पहले चीन ने अपना नया विवादित नक्शा जारी किया है, जिसमें भारत के कई हिस्सों को चीन ने अपना इलाका बताया है। नए नक्शे में चीन ने अरुणाचल और अक्साई चिन को अपना हिस्सा दिखाया है। जी न्यूज ने चीन के इस प्रोपेगेंडा को प्लेटफॉर्म नहीं देने का फैसला किया है, इसीलिए हम आपको वो विवादित मैप नहीं दिखा सकते। G20 से ठीक पहले और पीएम मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद जारी मैप से आप चीन के प्रोपेगेंडा को आसानी से समझ सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में दोनों देशों में LAC पर शांति बनाने और तनाव कम करने पर सहमति भी बनी थी, पर चीन अपनी बात पर एक हफ्ते भी नहीं टिक पाया और ये हरकत कर दी। तो चीन एक हफ्ते भी अपनी बात पर टिक नहीं पाया। वजह एकदम साफ है, भारत आज की तारीख में दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जल्दी तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली है, जबकि चाइनीज इकोनॉमी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। G20 क्वाड जैसे ग्रुप्स में भारत ने अमेरिका जैसे ताकतवर देशों के साथ अपनी जगह बनाई है। इसके उलट चीन ने विस्तारवादी नीति अपनाकर दुनिया के कई देशों को अपने खिलाफ खड़ा कर दिया है। आज की तारीख में दुनिया भर के देशों के बीच पीएम मोदी की इमेज एक मजबूत लीडर के तौर पर उभरी है, जबकि जिनपिंग की लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए जिनपिंग के इशारे पर विवादित नक्शा भी जारी किया गया है। ये चाइना की चाल भी है, वैसे ही पहली बात तो चाल है एक मैप दिखा करके जिसमें कि भारत की टेरिटरी को अपनी कह रहा है, और दूसरा उसके ऊपर ये टाइमिंग के हिसाब से ये चाल है कि भारत की G20 की तैयारियों को, भारत की G20 की स्मूथ फंक्शनिंग में एक अड़चन आए। G20 में जितनी मीटिंग्स होनी है सब में चाइना के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और सबको एक कॉमन आउटकम निकालना है, तो अगर हमारी बैकग्राउंड में चाइना के साथ ज़्यादा परेशानी चल रही है तो ऑब्वियसली हम चाइना के प्रपोजल्स को ज़्यादा एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहेंगे, और उसके चलते क्या होगा कि G20 की जो आउटकम्स आनी है, एग्रीमेंट्स आनी है, उनमें भी अड़चन हो जाएगी या डिले हो जाएगी या कंसेंसस नहीं बनेगा। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके भारत की छवि को और G20 के अंदर जो मीटिंग्स होनी है उसमें भारत को थोड़ा लड़खड़ा करके चाइना का ऑब्जेक्टिव हो सकता है और है कि G20 सक्सेसफुल पूरी तरह से ना हो। Zee News.